कोल्हापुरी चप्पलों के लिए मशहूर महाराष्ट्र का कोल्हापुर इन दिनों हिंसा, आगजनी और पथराव के लिए चर्चा में है। यहां के विशालगढ़ किले के पास अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप दक्षिणपंथी संगठनों पर लगता जा रहा है। इस मामले में सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों विशालगढ़ जल रहा है, इसके बारे में जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। विशालगढ़ किला महाराष्ट्र के कोल्हापुर से महज 76 किलोमीटर दूर है। हजार साल पुराना ये किला छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरगाथा का गायन करता है, लेकिन अब यहाँ अवैध निर्माण को हटाने के मुद्दे पर सांप्रदायिक आग फैलने लगी है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है ताजा मामला और क्यों यहाँ पर हिंसा भड़क रही है। दरअसल मामला जुड़ा हुआ है अवैध अतिक्रमण से। जानकारी के अनुसार विशालगढ़ किला परिसर के आसपास लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और इसे हटाने की मांग शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे की तरफ से की जा रही थी, लेकिन हिंसा 14 जुलाई को भड़क गई जब संभाजी राजे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अपने समर्थकों के साथ किले पर पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार संभाजी राजे जैसे ही अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचे तो यहां पर जय भवानी, जय शिवाजी और जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। इसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया कि यहां पर पथराव शुरू हो गया। इतना ही नहीं, कुछ उपद्रवियों ने आगजनी और तोड़फोड़ भी करना शुरू कर दिया। इस तोड़फोड़ का सबसे ज्यादा असर पास के गजपुर गाँव में देखने मिला, जहां उपद्रवियों ने कई घरों को निशाना बनाया। उपद्रवियों ने घरों, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। कहा जा रहा है कि जिन घरों को निशाना बनाया गया वहां पर अधिकतर अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें किले के पास मौजूद हजरत सैयद मलिक रेहान मीरा साहब की दरगाह पर चढ़कर कुछ उपद्रवी तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये दरगाह यहाँ पर 14-15वीं शताब्दी में बनाई गई थी। विशालगढ़ किले में अतिक्रमण का पूरा विवाद क्या है, ये भी समझ लेते हैं। विशालगढ़ किले में अवैध अतिक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ पर एक दरगाह को अवैध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और जानवरों की हत्या की जा रही है। यहाँ पर चल रहे अतिक्रमण को हटाने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी दिनों से अपील की जा रही थी। हिंदू समुदाय की मांग थी कि अवैध अतिक्रमण को हटाकर किले की मूल विरासत को बहाल किया जाए, जिसको लेकर पूर्व सांसद संभाजी राजे ने एक महीने पहले अतिक्रमण मुक्त विशालगढ़ की मांग की थी और एक अभियान शुरू किया था। 14 जुलाई का दिन अतिक्रमण हटाने के लिए तय किया गया था। उनके इस अभियान में दक्षिणपंथी समूह भी जुड़ गए थे। संभाजी राजे अपने समर्थकों के साथ पैदल चलकर विशालगढ़ पहुंचने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही हिंसा भड़क उठी। अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार क्या कर रही है, ये भी समझ लेते हैं। जानकारी के अनुसार विशालगढ़ किले के आसपास करीब 154 अवैध निर्माण है, जिसे हटाने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन आदेश पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते यहां पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विशालगढ़ किले के अतिक्रमण के मुद्दे को कानूनी ढंग से सुलझाने की बात कही है। मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि विशालगढ़ किले में अतिक्रमण और अवैध निर्माण का पुराना मुद्दा है, जो पूर्व राज्यसभा सांसद छत्रपति संभाजी राजे द्वारा अवैध संरचनाओं के विरोध में कार्रवाई किए जाने के आह्वान के साथ एक बार फिर से सामने आया है। देखिए, विशालगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास का साक्षी रहा है और ऐसे जितने गढ़ है वहाँ जो जो अतिक्रमण होगा उसको निकालने की मंशा राज्य सरकार की है। उसको निकालने के पीछे अगर कोई राजनीति करता है और केवल एक समुदाय के वोट पाने के लिए अतिक्रमण संरक्षित करता है तो हम उस पर उचित कार्रवाई करें। AIMIM ने साधा महाराष्ट्र सरकार पर निशाना। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि आज भी 6 दिसंबर जारी है, यहां मस्जिद पर एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है। महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार है, सरकार की शाह पर ही मस्जिद
पर इस तरह से हमले हो रहे हैं। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं लेकिन मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं। मुस्लिमों और उनके धार्मिक स्थलों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को इसका जवाब वोट की ताकत से देना होगा। उनकी ही पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने सीधे सीधे संभाजी राजे पर निशाना साधा है। इम्तियाज जलील ने कहा कि आप दिल्ली जा सकते थे क्योंकि मुसलमानों ने आपको वोट दिया था। हम आपका सम्मान करते हैं लेकिन आपने विशालगढ़ में हिंसक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, इसलिए हमें आश्चर्य है कि क्या आप वास्तव में शाहू महाराज के वंशज हैं? कितने लोगों के खिलाफ हुई है कार्रवाई, ये भी जान लेते हैं। पुलिस ने सोमवार को बताया कि इस मामले में 500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और करीब 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें संभाजी राजे का नाम भी शामिल है। एक अधिकारी ने बताया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किले में तैनात पुलिसकर्मी घायल हो गए क्योंकि दक्षिणपंथी संगठन के विरोध प्रदर्शन के बाद उपद्रवियों ने पथराव किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। हमें आगजनी की सूचना मिली थी और हम वहां गए थे। क्या है विशालगढ़ किले का इतिहास, ये भी समझ लेते हैं। ये किला मराठा इतिहास में काफी अहमियत रखता है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज 1660 में पन्हाला किले पर घेरे जाने के बाद यहां पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार विशालगढ़ किले का निर्माण 1058 में शिलाहर राजवंश द्वारा किया गया था और इसे शुरू में खिलगिल किले के नाम से भी जाना जाता था। ये आदिल शाह, राजा शिवाजी, राजा संभाजी, मुगल सरदारों और फिर अंग्रेजों जैसे शासकों के हाथ में चला गया। हजरत सैयद मलिक रेहान मीरा साहब की एक प्रसिद्ध दरगाह भी यहाँ पर है जिसे देखने के लिए हजारों पर्यटक हमेशा यहाँ पर आते हैं। पवन खिंड ये वो जगह है जहाँ हजारों मराठा सैनिकों ने अपने राजा को दखन की सेना से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। पवन खिंड की लड़ाई 13 जुलाई 1660 को हुई थी। जब शिवाजी घेराबंदी से बच निकले तो सिद्दी मसूद को पता चल गया कि शिवाजी विशालगढ़ किले की ओर जा रहे हैं। उन्होंने मराठा सैनिकों के पीछे अपनी सेना भेज दी। शिवाजी के एक वफादार सैनिक बाजी प्रभु ने घोड़े किंड में 300 सैनिकों के साथ रुकने का फैसला किया और सिद्दी मसूद की सेना को वो वहां पर तब तक रोकते रहे जब तक शिवाजी महाराज विशालगढ़ नहीं पहुंचे।